first day we had 25,000 people sign up, and then it just started. It just like, it never stopped. It just kept going and going and going. इंस्टाग्राम इज डिस्ट्रॉइंग सोसाइटी, बट एक टाइम पर इंस्टाग्राम वॉज अ ग्रेट साइट। इसके फाउंडर ने इस दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनीज के ऑफर को रिजेक्ट किया था, जिसमें ट्विटर, फेसबुक और गूगल भी शामिल थी, जस्ट बिकॉज उनको इंटरनेट पर कुछ अच्छा और पॉजिटिव क्रिएट करना था। इंस्टाग्राम की इनिशियल डेज में वो और उनकी छोटी टीम मिलकर मैनुअली एड्स और पोस्ट को अप्रूव किया करती थी टू अवॉइड डेटा हार्वेस्टिंग। उनका एम कुछ हेल्दी क्रिएटिव फोटो शेयरिंग एनवायरमेंट डेवलप करना था, और उनकी इसी अच्छी अप्रोच के चलते इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर कनेक्ट हो गए थे in just 10 months of its launch. But something bad happened. Instagram changed. Instagram को worst social media का title दिया गया। एक report के according 40% of Insta user feel unattractive. Instagram के चलते modern society में depression, anxiety, eating disorder बहुत ज़्यादा increase कर रहे हैं। In fact, Instagram ने खुद ये admit किया था कि Instagram is harmful for teens. लेकिन ये सब कुछ समझने के लिए हमें time में पीछे जाना होगा। हमें जानना होगा कि how this all was started. इंस्टाग्राम की स्टोरी मार्क ज़करबर्ग से ही शुरू होती है और मार्क पर ही खत्म होती है। इनिशियल डेज में जब फेसबुक बस कुछ ही यूनिवर्सिटीज के लिए अवेलेबल था, उस टाइम मार्क एक बंदे को हायर करता है जिसका नाम था केविन सिस्टॉर्म टू क्रिएट अ फोटो शेयरिंग फीचर फॉर फेसबुक वेबसाइट। लेकिन केविन मार्क के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है बिकॉज केविन के मेंटर का ऐसा कहना था कि फेसबुक इज जस्ट अ क्रेजी ट्रेंड एंड इट वोंट लास्ट लॉन्ग। इसके बाद केविन इटली जाता है टू स्टडी हिज पैशन ऑफ फोटोग्राफी, और फ्यूचर में यही पैशन इंस्टाग्राम के लिए एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला था। इटली से वापस आने के बाद केविन को एक टेक कंपनी में इंटर्नशिप मिली जिसका नाम था ओडियो, जो जल्द ही ट्विटर बन गया। अपनी इंटर्नशिप के दौरान केविन की फ्रेंडशिप जैक डॉर्सी से हुई, जिसका कहना था कि ट्विटर विल बी ह्यूज। लेकिन केविन को ट्विटर में ऐसा कुछ पोटेंशियल नहीं दिख रहा था और उसने कंपनी को छोड़ दिया। नाउ केविन डिडंट रियलाइज कि उसने फेसबुक और ट्विटर को उसकी अर्ली स्टेजेस में ज्वाइन नहीं करके अमीर बनने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था। बट दैट डिडंट मैटर, केविन दोनों को ही हराने वाला था। अब केविन एक नई स्किल लर्न करना शुरू कर देता है, जो था मेकिंग मोबाइल ऐप। सीखने के बस एक साल बाद वो एक मोबाइल ऐप लॉन्च करता है जिसका नाम था बर्बन। एक्चुअली बर्बन केविन की फेवरेट विस्की का नाम था। आई नो ऐप का नेम काफी मिसलीडिंग था, क्योंकि ऐप का और ड्रिंक का कोई लेना देना नहीं था। बेसिकली बर्बन एक लोकेशन शेयरिंग ऐप था जिसमें यूजर कहां गया और कहां जाने की सोच रहा है उस लोकेशन की फोटो के थ्रू शेयर कर सकता था, जिसमें शेयर करने के बाद कुछ वर्चुअल प्राइजेस और पॉइंट्स दिए जाते थे। अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो यही उस टाइम सबको लग रहा था। बर्बन बस एक अजीब दिखने वाली फोटो और लोकेशन शेयरिंग ऐप थी जो प्रॉपरली वर्क तक नहीं करती थी। हाउएवर केविन एक बार एक बड़ी पार्टी अटेंड करता है जिसमें वेल्दी इन्वेस्टर्स भी आए हुए थे। केविन उन्हीं में से एक इन्वेस्टर को अपनी ऐप में $50,000 इन्वेस्ट करने के लिए रेडी कर लेता है। इसके बाद एक और इन्वेस्टिंग कंपनी उसकी ऐप में $250,000 इन्वेस्ट करती है, जिसके चलते पहले इन्वेस्टर भी अपनी इन्वेस्टमेंट को $250,000 कर देते हैं। नाउ सडनली केविन की ब्रांड न्यू कंपनी के पास $500,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट थी। You might be thinking it's crazy, but no, it's not. Silicon Valley में investors इसी तरह पानी की तरह पैसे invest करते हैं into new technologies. Now Kevin के पास पैसे थे to spend, so he looked for a co-founder to help him. और Bourbon के कुछ सबसे पहले users में से एक और Kevin का university friend Mike Krieger was appointed as co-founder for Bourbon. अब Kevin के पास business partner और पैसे दोनों थे, but problem ये थी कि Bourbon को कोई use नहीं कर रहा था। उनके बस 100 users थे और वो काफी struggle कर रहे थे। इसके बाद केविन अपने कुछ एक्टिव यूजर्स से पूछता है कि व्हाट दे लाइक अबाउट द ऐप। रिजल्ट्स काफी शॉकिंग थे, क्योंकि लोगों को लोकेशन शेयरिंग और वर्चुअल प्राइजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट दे लव द फोटो शेयरिंग फीचर। नाउ केविन खुद को क्वेश्चन करता है कि आर दे सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। केविन रियलाइज्ड कि एग्जिस्टिंग एप्स में फोटो तो शेयर कर सकते हैं, बट उनकी कोई कम्युनिटी नहीं थी। वो एक साथ मल्टीपल लोगों को अपनी फोटो शेयर नहीं कर सकते थे, उनका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था। सो केविन एंड को-फाउंडर माइक बोथ फोकस्ड ऑन जस्ट वन फीचर, फोटो शेयरिंग, and cut out all the confusing features. Now वो अपने app को rebrand करते हैं to Instagram, जो कि combination था of words instant and telegram. अपना पहला prototype ready करने के बाद Kevin उसको अपनी girlfriend को show करता है, but उसकी girlfriend ने कहा कि शायद वो उनका app use नहीं करेगी, क्योंकि उसकी photo उसके friends के comparatively अच्छी नहीं होती थी। Kevin ने अपनी girlfriend को समझाया कि उनकी photos इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि उन पर filter लगाया जाता है, जिसका जवाब देते हुए Kevin की girlfriend बोलती है, तो तुम भी अपने app में filter एड करो। देन केविन की गर्ल
बॉयफ्रेंड का ये सिंपल कमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंस्टाग्राम की सक्सेस में। केविन रियलाइज्ड कि एग्जिस्टिंग फिल्टर्स बस फोटो को एडिट करते थे, लेकिन उनकी कोई कम्युनिटी नहीं थी टू शेयर दोस पिक्चर्स। अब इंस्टाग्राम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला था। केविन की फोटोग्राफी क्लासेस कम्स इनटू प्ले। केविन फोटोशॉप का यूज करके कुछ फिल्टर्स क्रिएट करता है जो यूजर्स अपनी फोटोज में इजीली लगा सकते थे टू मेक देम लुक प्रोफेशनल। केविन और माइक 6 अक्टूबर 2010 को अपना ब्रांड न्यू ऐप इंस्टाग्राम लॉन्च करते हैं, लेकिन लॉन्च करने के साथ ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो केविन अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। जब कोई न्यू बिजनेस मार्केट में आता है तो कोई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उनकी शुरुआत थोड़ी मुश्किल भरी होती है टू गेट पीपल इंटरेस्टेड, बट इंस्टाग्राम इज नॉट वन ऑफ दोज स्टोरी। लॉन्च के पहले दिन ही इंस्टाग्राम गेन 25,000 यूजर्स और एक महीने के अंदर वो 1 मिलियन यूजर्स में चेंज हो गया। इंस्टाग्राम की सक्सेस के पीछे काफी सारे फैक्टर्स थे, जिसमें से एक फैक्टर था शेयरिंग। इंस्टाग्राम के थ्रू लोग इजिली अपनी फिल्टर्ड फोटो शेयर कर पा रहे थे और वो इन फोटोज को दूसरे सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते थे, जिसकी वजह से और नए यूजर्स इंस्टा पर एड जाते थे। हर कोई एक परफेक्ट पिक्चर चाहता था और वो काम इंस्टाग्राम ने बहुत इजी कर दिया था। सेकंड फैक्टर था इंस्टाग्राम की टाइमिंग। साल 2010 में आईफोन लॉन्च किया गया था विद बेटर एंड इंप्रूव्ड कैमरा। अब हर कोई अपना मोबाइल और ज्यादा यूज कर रहा था और इंस्टाग्राम वाज द बेस्ट मोबाइल ऐप फॉर फोटोग्राफी। थर्डली, केविन टॉप लेवल डिजाइनर्स को हायर करता है फॉर डिजाइनिंग इंस्टाग्राम फ्रंट एंड। इन तीनों फैक्टर्स के चलते रिजल्ट ये आया कि इंस्टाग्राम वेंट वायरल। नाउ सेलिब्रिटीज ने भी इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था, जिसमें से एक सबसे पहला स्टार था जस्टिन बीवर। जस्टिन की हर नए पोस्ट के साथ लाखों टीनेज गर्ल्स इंस्टा ज्वाइन कर रही थीं। इंस्टाग्राम की रैपिड ग्रोथ के साथ एक नई प्रॉब्लम चालू हो गई थी। अब हरेसमेंट और अब्यूज भी ग्रो करने लगा था। इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन यूजर्स कनेक्ट हो गए थे जब उनके पास सिर्फ 4 एम्प्लॉयज थे, जिसमें केविन और को फाउंडर माइक भी शामिल थे, लेकिन बाद में ईयर 2012 में ये 4 से बढ़कर 13 एम्प्लॉयज हो गए थे। डू यू रिमेम्बर की हाउ इंस्टाग्राम वॉज जस्ट स्पेस फॉर फोटो शेयरिंग एंड क्रिएटिव आर्ट्स, बट जिन सेलिब्रिटीज के मिलियंस ऑफ फॉलोअर थे वो इंस्टाग्राम पर पेड प्रमोशंस कर रहे थे। बट प्रॉब्लम यह थी कि यूजर्स को ये नहीं पता होता था कि इट्स पेड प्रमोशन, और ऑडियंस को लगता था कि इट वाज अ जेन्युइन प्रोडक्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम समवन दे ट्रस्टेड एंड नॉट एन एड। इंटरेस्टिंगली, इंस्टाग्राम की इतनी ग्रोथ होने के बाद भी इंस्टाग्राम ने शुरुआती कुछ सालों में बिल्कुल पैसे नहीं जनरेट किए थे, क्योंकि अभी तक उनके पास कोई एड सिस्टम नहीं था और जिसके चलते वो अपने इन्वेस्टर्स पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे फॉर देयर ग्रोथ। बट ऑल ऑफ अ सडन ट्विटर इंस्टाग्राम को खरीदना चाहता था फॉर $500 मिलियन। उसको पूरा यकीन था कि इंस्टाग्राम उसके ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, बट दे वर शॉक्ड ऑफ व्हाट केविन डिड नेक्स्ट। ट्विटर के ऑफर के बाद मार्क जुकरबर्ग ने केविन को कॉल की और डायरेक्टली बोला, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं इंस्टाग्राम खरीदना चाहता हूँ। मार्क ने केविन को $1 बिलियन ऑफर किए और कहा, मुझे लगता है फेसबुक इंस्टाग्राम को नए लेवल पर ले जाएगा बाय यूजिंग फेसबुक्स रिसोर्सेज। साथ ही में मार्क ने कुछ ऐसा कहा जिसको केविन रेजिस्ट नहीं कर पाया। मार्क सेड कि इंस्टाग्राम वुड रिमेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम फेसबुक। केविन एक्सेप्टेड द ऑफर। केविन को पता था कि फेसबुक की हेल्प से इंस्टाग्राम और ज्यादा तेज ग्रो कर सकता है। केविन ये बात भी जानता था कि अगर वो फेसबुक के ऑफर को रिजेक्ट करेगा तो फेसबुक इंस्टा को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। सो इन ईयर 2012 फेसबुक बायज इंस्टाग्राम फॉर $1 बिलियन। इससे पहले आज तक किसी ने एक ऐप को $1 बिलियन में नहीं खरीदा था, स्पेशली एक ऐसा ऐप जिसका कोई बिजनेस मॉडल नहीं था, क्योंकि स्टिल इंस्टा वाजंट मेकिंग एनी मनी। मोस्ट पीपल थॉट कि इट वाज इलॉजिकल ऑफ फेसबुक बाइंग इंस्टाग्राम फॉर $1 बिलियन, बट बाय 2019 इंस्टाग्राम हर साल $24 बिलियन जनरेट कर रहा था इन रेवेन्यू, जो कि फेसबुक के टोटल रेवेन्यू का 30% था। और अब फेसबुक का टॉप अल्टरनेटिव भी फेसबुक ने खुद खरीद लिया था। सो इट वाज अ जीनियस मूव, बट इससे सब कुछ नहीं थे, क्योंकि कुछ यूजर्स फेसबुक के साथ अपना और डेटा शेयर नहीं करना चाहते थे। इनफैक्ट कुछ यूजर्स का बोलना था कि फेसबुक अपना प्रॉमिस फॉलो नहीं करेगा और इंस्टाग्राम के यूजर्स का डेटा और प्राइवेसी मेंटेन नहीं करेगा। इनफैक्ट जब ये डील अनाउंस की गई थी, वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट ये इन्वेस्टिगेट करती है कि इंस्टाग्राम का फेसबुक के द्वारा खरीदा जाना सोशल मीडिया के लिए कहीं कोई थ्रेट तो नहीं होगा। लेकिन उस टाइम पर गवर्नमेंट उनको अप्रूव कर देती है और फेसबुक इंस्टाग्राम खरीद लेता है। लेकिन सालों बाद लोगों का ऐसा कहना है कि टेक ओवर ऑफ इंस्टाग्राम वाज द ग्रेटेस्ट रेगुलेटरी फेलियर ऑफ द डेकेड। लेकिन अब ये टाइम केविन और उसकी टीम के लिए पार्टी करने का था, जिसके लिए केविन उनको लास वेगास में एक ग्रैंड पार्टी देता है। बट केविन के लिए कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का वेट कर रही थी। Instagram says it has right to sell your pictures. Yes, सही सुना आपने। Instagram आपकी pictures without
पेमेंट एंड नोटिफिकेशन बेच सकती है। इंस्टाग्राम को खरीदने के बाद कुछ इसी तरह के आर्टिकल्स पूरे इंटरनेट पर स्प्रेड हो रहे थे। हैशटैग डिलीट इंस्टाग्राम ऑल अक्रॉस ग्लोब ट्रेंड कर रहा था, जिसके चलते इंस्टाग्राम अपनी पॉलिसीज में चेंज लाता है टू शो कि इंस्टाग्राम कोई पिक्चर सेल नहीं कर रहा। लेकिन इस प्रॉब्लम से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम इंस्टाग्राम का वेट कर रही थी। यू सी, इंस्टाग्राम कोई भी ज्वाइन कर सकता था विदाउट शोइंग देयर रियल नेम, जिसका रिजल्ट ये आया कि इंस्टाग्राम पर बुलिंग, हेटफुल कमेंट एंड इलीगल कंटेंट पोस्ट किया जा रहा था। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर स्कैम्स भी रन किए जा रहे थे, और सबसे ज्यादा खतरनाक तो यह था कि टेररिस्ट इंस्टाग्राम से लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ रहे थे। मल्टीपल रिपोर्ट शोड द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंस्टाग्राम ऑन पीपल्स मेंटल हेल्थ। अब यह बात साफ थी कि इंस्टाग्राम इज लीडिंग टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। 2021 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कंफर्म करती है कि फेसबुक ये बात सालों से जानती थी कि इंस्टाग्राम इज हार्मफुल फॉर द यूजर्स, बट फेसबुक इस बात को गवर्नमेंट से छिपा रही थी। फेसबुक एक इंटरनल सीक्रेट स्टडी कंडक्ट करती है जिसके रिजल्ट्स काफी शॉकिंग थे। फेसबुक ने पाया कि इंस्टाग्राम इज टॉक्सिक टू सम परसेंटेज ऑफ यूजर्स, स्पेशली टीनेज गर्ल्स। एक दूसरी स्टडी में पाया गया कि 13% ऑफ ब्रिटिश टीनेजर्स की सुसाइडल अटेम्प्ट समहाउ इंस्टाग्राम से लिंक्ड थे, और ये फैक्ट्स फेसबुक ने खुद अपनी स्टडीज में पाया था। नाउ इंस्टाग्राम की वजह से लोग अपनी इमेजेस को परफेक्ट शो करने के लिए उनको एडिट और फोटोशॉप कर रहे थे, जिसके चलते इमेजेस का एक बार सेट हो गया था और लोग उस बार को अचीव करने के चक्कर में एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। सिमिलरली लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए भी कुछ लोग बॉट्स का यूज कर रहे थे फॉर गेनिंग फेक फॉलोअर्स एंड फेक लाइक्स। लेकिन प्रॉब्लम उन यूजर्स के लिए थी जो इन बॉट्स के बारे में नहीं जानते थे। वो खुद को बाकियों से लो समझ रहे थे क्योंकि उनकी फॉलोअर्स और लाइक कम होते थे। रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम इज नंबर वन ऐप फॉर बैड मेंटल हेल्थ फॉर यूथ। उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अपने फ्रेंड्स को कॉन्स्टेंटली हॉलीडेज और नाइट आउट एंजॉय करते देख आप खुद को ऐसा फील कराते हो जैसे आप लाइफ में कुछ खो रहे हो और आप एक लूजर हो, और ये चीज ब्रेन को काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही थी। लोग इंस्टाग्राम के लिए अपनी लाइफ को बिल्कुल परफेक्ट शो कर रहे थे, बट रियलिटी उसकी बिल्कुल ऑपोजिट होती थी। नाउ लोगों के लिए फोटो ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गई थी उनकी खुद की लाइफ से भी ज्यादा। तभी तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अच्छी फोटो लेने के चलते साल 2011 से साल 2017 तक 260 डेथ्स रिपोर्ट की गई थी। एक सिमिलर केस साल 2011 में रिपोर्ट किया गया था जब 14 साल की मॉली रसल्स खुद अपनी जान ले लेती है बिकॉज उसके इंस्टा हैंडल पर सुसाइडल मटेरियल सजेस्ट हो रहा था। आज भी काफी इंस्टाग्राम यूजर्स को शायद ही ये पता होगा कि फेसबुक इज दी ओनर ऑफ इंस्टाग्राम। टेकओवर के कुछ सालों तक केविन ही इंस्टाग्राम को मैनेज कर रहा था, और फेसबुक अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम में इंटरफेयर नहीं कर रहा था। बट टाइम बीतने के साथ फेसबुक इंस्टाग्राम में घुसना शुरू कर देता है, जिसके चलते केविन और माइक के बीच में कुछ आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली मार्क ज़करबर्ग चाहता था कि इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए और ईमेल सेंड करे जाए टू बूस्ट दी एंगेजमेंट, बट केविन इस बात पर एग्री नहीं करता और बोलता है ये हमारे यूजर्स के लिए अनोइंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर देगा। बात और बिगड़ गई क्योंकि मार्क फेसबुक एडवर्टाइजिंग को इंस्टाग्राम के साथ मर्ज करना चाहता था। बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये काफी सेंसफुल मूव था, बट केविन को लगता था ऐसा करने से इंस्टाग्राम यूजर्स का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। केविन बस कुछ सिलेक्टिव हाई एंड ब्रांड्स के साथ ही एड्स रन करना चाहता था और वो एड्स को खुद मैन्युअली अप्रूव करता था, बट मार्क कुछ ब्रांड्स की जगह एड्स सबके लिए ओपन कर देता है। अब कोई भी इंस्टाग्राम पर एड्स लगा सकता था। मार्क ज़करबर्ग इस एक्शन के बाद ये क्लियर कर देता है कि केविन भले ही सीईओ है बट वो बॉस है। इसके बाद टेंशन और ज्यादा क्रिएट हो रही थी, तो केविन कुछ दिनों के लिए हॉलीडेज लेता है जिसे वो कुछ दिन और बढ़वा देता है, और जब वो वापस आया तो उसने कुछ ऐसा अनाउंस किया जिसको सुनकर सब हैरान रह गए। केविन ने अनाउंस किया कि वो रिजाइन कर रहा है, और केविन के साथ को फाउंडर माइक भी रिजाइन कर देता है। इस बात से सब शॉक्ड रह जाते हैं और लग रहा था कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है, बट ये सच था। केविन की कंपनी छोड़ने के बाद इंस्टाग्राम को रीब्रांड कर दिया गया एज इंस्टाग्राम फ्रॉम फेसबुक। अब एड्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसके साथ नोटिफिकेशन भी बढ़ गए थे। केविन के नहीं होने से मार्क अपने सारे डिजायर्स पूरा कर पा रहा था बिना किसी रोक टोक के। इंस्टाग्राम को लेकर सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, बट एक बात साफ थी कि केविन वाज अ जीनियस। उसने एक अच्छा फोटो शेयरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया था। लेकिन आज केविन खुद इंस्टाग्राम छोड़ चुका है। केविन की लास्ट पोस्ट 2018 में पोस्ट की गई थी। आई गेस केविन अब सिर्फ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस एंजॉय करना चाहता है, और वो भी बिना किसी फिल्टर के। गाइस, अगर आप भी इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम को अपने ऊपर इतना हैवी मत होने देना कि आप ही कहीं छिप जाओ। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।